मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं यहीं मझौवा घाट के रहने वाले हैं। तो हम सबसे पहले यहीं कहेंगे कि एक इन्हीं के मतलब कि कहने से मतलब हम लोग जो है कि अपने आप से भी मतलब ये रखना चाहिए कि हम लोग अपने आप में परिवर्तन करें। सबसे पहले ये है कि हम अपने आस पड़ोस के लोगों को जागरूक करें, और जागरूक करने के लिए हम जैसे कि एक आदमी 5-10 आदमी के अपने आस पड़ोस के लोग को जागरूक करें, उनके अधिकारों के बारे में बताएं। तो जब जनता जो अशिक्षित जनता है, कुछ लोग शिक्षित है कुछ लोग अशिक्षित है, सबको उनके अपने अपने अधिकार के बारे में जब हम बताएंगे, जब जनता अपने अधिकार के बारे में जानेगी क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में जब जनता खुद जानेगी तो खुद जागरूक होगी। अगर इसके लिए प्रशांत किशोर जी बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं, लेकिन इनके एक करने से नहीं होगा। हम सभी को अपने आस पड़ोस जितना लोग हैं सबको ये बात बताना चाहिए कि कौन नेता, मतलब सारे नेता के बारे में हम तो कुछ नहीं टिप्पणी करेंगे। हाँ 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 सबको सहयोग करने के लिए, सब कोई अगर सहयोग करेगा। हाँ जी जी, ये हम कहेंगे कि सब कोई जब अपने आस पड़ोस अपने गांव को जागरूक करेगा, एक गांव से एक जिला जागरूक होगी, जागरूक जिला से राज्य, ऐसे करते करते हमारा देश के जनता जागरूक होगी, और देश के जनता जब अपने अधिकारों के लिए ये लड़ेगी, अपने अधिकारों के लिए सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखेगी, तब जाके हमारा देश विकास करेगा, बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। जी जी, उसमें सबका सहभागिता होना चाहिए। मेरा नाम अमित कुमार होगा, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ फिजिक्स अनर से। लेकिन जी मेरा सेशन था 2020 से 2022 से 2023 BRB यूनिवर्सिटी से, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जिसका सेशन है 2020 से 2023, ठीक है, जिसमें आपका 22 का लास्ट आ गया है अक्टूबर, इसका अभी केवल एक फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो पाया है जिसका रिजल्ट आया, लेकिन सेकेंड ईयर में अभी तक एडमिशन नहीं हुआ पाया है, ठीक है। जैसे प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि साक्षरता दर ऐसे नहीं घट रही है, क्योंकि उसको घटाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है एग्जाम नहीं ले रही है, आगे की पढ़ाइयाँ नहीं हो पा रही है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें ना, कोई यहाँ पे IIT कॉलेज, अच्छा IIT कॉलेज है ना NIT कॉलेज है, तो कहाँ से साक्षरता दर बढ़ेगी? सबसे बड़ी बात यह है ना, यहाँ पे अच्छे यूनिवर्सिटी है, आप बात कर लें, हम पटना में भी रहते हैं, पटना साइंस कॉलेज की आप स्थिति देख सकते हैं कि वहाँ पे भी कोई अच्छे मतलब टीचर नहीं है। हमारे बहुत सारे दोस्त पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पटना AN कॉलेज में पढ़ते हैं, BN कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कोई लेक्चरर नहीं है। अच्छा जहाँ पे हम क्लास करते हैं MJK कॉलेज में, वहाँ पे भी कोई मतलब लेक्चरर है लेकिन क्लास नहीं ले पाते हैं। इसका रीज़न यही है कि साक्षरता दर कम होते जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस पर जो बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, हमको मतलब उनका यही एक अच्छा विचार लगा है, क्योंकि वो साक्षरता दर को बढ़ा चाहते हैं। अगर बिहार शिक्षित हो गया ना, तो अपने आप बेरोजगारी खत्म हो ही जाएगी, इसको खत्म होना ही पड़ेगा, क्योंकि साक्षरता दर मतलब महात्मा गांधी भी कहते हैं कि आप शिक्षित बनिए, ठीक है ना। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो सारी घावों को मतलब जख्मी घावों को इलाज कर देगा, ठीक है। तो हम यही कहना चाहेंगे, हम सबका समर्थन है प्रशांत किशोर जी के साथ, सब युवाओं का भी समर्थन है, ठीक है। हम और आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। अब अपने दोस्तों के साथ अपने गांव में सबको हम बता चुके हैं प्रशांत किशोर जी के बारे में। प्रशांत किशोर जी के बारे में हमको बहुत पहले से ही मालूम था, ये धर्म से ऊपर उठकर राजनीति कर रहे हैं, ठीक है ना। हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म के बारे में ना बड़ाई ना हिनाई, कोई ऐसा उनका मतलब नहीं है। उनका मतलब है एकदम विकास, ठीक है। बात किया जाए उनकी योग्यता के ऊपर, अगर देखिए उनका योग्यता 10 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा के स्ट्रेटजी तैयार कर चुके हैं, उनके बारे में बहुत डीपली जानकारी रख चुके हैं। और ऐसा व्यक्ति अगर हमारे बीच आ रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य का बात है कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति मतलब हर किसी को नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि उनसे मिलने के लिए बहुत बड़ी कोई अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, मगर उनसे बाहर से अगर कोई मिले तो। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ हम जाना चाहेंगे, और हम अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर जाना चाहते हैं। हाँ लगता है समाज के वाला, हाँ एकदम परिवर्तन चाहते हैं, और परिवर्तन ही संसार का नियम है।